क्या वह शुरू किया कि प्रणाम नहीं? स्वामी जी। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ चलो देवी भगवत में परा भक्ति की व्याख्या मिलती है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार का अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति प्राप्त करने विशेष साधना आवश्यक है। प्रथम है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के लिए त्याग सबसे अग्रिम है। इसके सिवा पराभक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। त्याग सभी योग में प्रथम सोपान है। आत्मा संसार से विमुख होने के लिए सबसे पहले देह बुद्धि से विमुख होना शुरू करके साधना की शुरुआत करता है। ज्ञान योगी का वैराग्य सबसे कठिन है। इसके मुकाबले भक्ति योगी का वैराग्य सबसे स्वाभाविक है। उसमें कठोरता नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, न तो बलपूर्वक किसी चीज से हमें अपने आप को अलग ही करना ना पड़े। जैसे कि कोई इस प्रकार का त्याग विकृत रूप में हम हमेशा देखते हैं। समय पर वो दूसरी स्त्री से प्रेम करने पर पहली स्त्री का त्याग कर देता है और उसे भूल ही खाता है। अपने शहर से प्रेम करने वाला देश प्रेमी होने पर शहर का प्रेम त्याग करके आगे बढ़ के वही आदमी विश्व प्रेम ऊपर आने पर देश प्रेम का त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसमें कोई कष्ट नहीं पड़ता। असंस्कृत मनुष्य इंद्रिय सुखों में उन्मत्त रहता है। धीरे धीरे स्थूल वासना सुख से ऊपर उठ के सूक्ष्मतर बातों में आनंद पाने लगता है। आगे जाते जब बुद्धि और मनोवृत्ति से भी अतीत हो जाता है और आध्यात्मिक तथा ईश्वर अनुभूति अपूर्व आनंद प्राप्त करता है। उसको इंद्रिय जन्म एवं बुद्धि से मिलने वाला सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। भक्ति के वैराग्य प्रति में किसी का नाश करने की आ जाता है। यही ईश्वर प्रेम क्रमशः बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं। भक्ति का वैराग्य प्रेम जन्य है। प्रकृति में हम सर्वत्र प्रेम ही देखते हैं। जो कुछ सुंदर महान और उदात है वह समस्त प्रेम प्रस्तुत है। भक्ति योग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है। वह हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से लगाए, नए मार्ग में उसे मोड़ दे और उसे इससे श्रेष्ठ और किस प्रकार प्राप्त करे। भक्ति योग कुछ छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, केवल कहता है परमेश्वर में आशक्त हो। जो परमेश्वर में के प्रेम में उन्मत्त हो गया है उसकी स्वभावतः निम्न विषय में कोई प्रवृत्ति नहीं रह सकती। प्रभु में तेरे बारे में और कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ कि तू मेरा है, तू सुंदर है, तू स्वयं सौंदर्य रूप है। अभी हम सभी को सौंदर्य पिपाशा विद्यमान है। भक्ति योग इतना ही कहता है कि इस सौंदर्य पिपाशा को भगवान की ओर फेर दो। भक्ति की उच्च अवस्था अपने समस्त क्षुद्र अहम भाव को भुला देती है। साक्षी भाव में बने रहो, देखोगे कि प्रेम स्वरूप भगवान अपने आप को अनंत प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। भगवान का एक नाम हरि है। इसका अर्थ है कि वो हम सब में अपनी और आकृष्ट करता है।
वही हमारे प्रेम का एकमात्र उपयुक्त पात्र है। विश्व के सब मानवी अपने अंतस्थ में छिपा आत्मा को मन में धारण करके भगवान के पास पहुंचने के लिए और इनमें विलीन हो जाने के लिए संघर्ष ईश्वर भक्त योग की अंतर इच्छा ये जीवन की अनन्य कमी को पूरी जी जान से दूर करने में लगी रहती है। योगी सब कुछ त्याग करके श्री हरि के हृदय में विलीन होने का स्वप्न पूरा करने में ही लगा रहता है। यही है भक्त का त्याग और वैराग्य का रहस्य। भक्त के हृदय में प्रकट हुआ दिव्य अनुराग अनुपम त्याग और वैराग्य पैदा कर देता है। ये त्याग और वैराग्य पराभक्ति की उज्जवल भूमिका का द्वार खोल देता है। प्रिय सिंधु उसमें समा जाता, सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। प्रत्येक मुख में उसे हरि ही दिखाई देता है। और भक्त को अगर आप अगर सांप काट ले तो ये कहते हैं कि क्या हुआ, क्रोध द्रोणा इनके हृदय में क्रोध द्रोणा अथवा ईर्ष्या कभी प्रवेश नहीं कर पाती। गीता में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहा था कि भक्त और निराकार उपासक दोनों मुक्त हो जाते हैं, फिर भी भक्त श्रेष्ठ योगी है। निराकार योगी के लिए क्लेश अर्थात परिश्रम अधिक है। भक्त योगी के मुकाबले उसको ऊंची उड़ान करनी पड़ती है और गिरने का संभव ज्यादा है। भक्ति योग का रहस्य यही है कि मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार की वासनाएं हैं, उनमें से कोई अधम नहीं है। उन्हें धीरे धीरे अपनी वश में लाकर उनको उत्तर उत्तर उच्च दिशा में उन्मुख करने से परमोच्च दशा को प्राप्त हो जाए। यदि मनुष्य इस बात का दुख करने लगे कि अब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह दुख उसी की मुक्ति का हेतु बन जाएगा। भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप, भक्ति जिन विविध रूपों में प्रकाशित होती है वे है श्रद्धा, प्रीति, विरह। श्रद्धा मंदिर जहाँ भगवान की पूजा होती है वहां उनकी सत्ता अधिक प्रकाशित होती है, वो श्रद्धा का उत्तम स्थान बन गया है। ऐसे ही सब आचार्य भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं और भक्त के हृदय में उन पर उत्तम श्रद्धा भाव बनता है। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। जिससे प्रेम नहीं करते उसी के प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते। प्रीति, प्रीति से हम पाते हैं ईश्वर चिंतन का आनंद। इंद्रियों के साधन प्राप्त करने हम चारों ओर भटकते हैं। सबको चाहिए कि वह भगवान के प्रति इस प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। विरह, प्रेमास्वाद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख विरह है। समस्त दुखों में ये मधुर है। जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है। उसका केवल उसका ध्यान करो और अन्य सब बातें त्याग दो। प्रेमी भक्त के लिए भगवान बिना एक क्षण भी रहना असंभव हो जाता है। तदीयता तब आती है जब साधक भक्ति मत के अनुसार पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब प्रकृति विशुद्ध हो जाती है और साधना पूर्ति हो जाती है। हरि के ऐसे मनोहर गुण के ही के जान लोगे कि उनको प्राप्त कर तृप्त हो गए हैं।
जिनकी हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई है वे भगवान की निष्काम भक्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है उसके लिए सारा संसार प्रिय हो जाता है, क्योंकि संसार आखिर उसी का तो है। विश्व प्रेम और आत्मसमर्पण का उदय। समष्टि से प्रेम किए बिना हम व्यष्टि से कैसे प्रेम कर सकते हैं? भारतीय दार्शनिक व्यष्टि पर रुक नहीं जाते पर व्यापक समष्टि भाव की खोज में लग जाते हैं, जिसे प्रेम करने से वह सारे विश्व से प्रेम कर सके, जिसे जानने से सब कुछ जान सके। अंत में जब यह मूल सत्य ज्ञात हो जाता है कि समष्टि प्रेम की समष्टि ईश्वर है, तब जगत को प्यार करना और उसी की भलाई करना सहज हो जाता है। सब कुछ भगवान का है, वह मेरा प्रियतम है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। ईश्वर को सर्वभूत में देखने लगते हैं और हृदय प्रेम का एक अनंत स्रोत बन जाता है। भगवान पर प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होने पर उसे पूर्ण निर्भयता के अवस्था में प्राप्त होती है और सुख दुख का भेद भूल जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वर इच्छा पर निर्भर हो जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से स्वार्थ और अहम भाव से मुक्त न होवे और आत्मत्याग के लिए पूरे हृदय के साथ प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह पूर्ण भक्त नहीं हो सकता। भक्त कहता है, एक क्षणभंगुर संसार में हर पल अपना समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। भगवान के प्रति हुई आसक्ति ही ऐसी है जो जीवात्मा को नहीं बांधती, प्रत्युत उसके समस्त बंधन छिन्न कर देती है। इस प्रकार का अपार अनुराग हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें मन निरंतर भगवान के स्मरण में ही लगा रहता है तथा मानसिक एवं भौतिक समस्त बंधनों को तोड़कर शांत और मुक्त भाव धारण कर लेती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की उपासना कर सकता है। साधारणतया मानवी प्रेम वही करता है जहां उसे दूसरी ओर से बदले में प्रेम मिलता है। केवल प्रेम के लिए प्रेम करना संसार में निसंदेह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और यही पूर्ण निस्वार्थ प्रेम है। इस प्रकार का प्रेम जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्य करने लगता है तो वही हमें पराभक्ति की उपलब्धि कराता है। प्रणाम स्वामी जी। वेरी गुड, अच्छा किया। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। ये हमने वैदिक भक्ति की थी और पराभक्ति ये बहुत ऊंची चीज है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि पराभक्ति जैसी चीज है और उसका चिंतन करना, निरंतर भगवान का चिंतन करना, इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल जिन लोगों ने ये सरला बेन ने उसको पढ़ के समरी की है, उसके अतिरिक्त बाकी सब लोग भी इस लेख को बड़ी सावधानी से अच्छी तरह पढ़ें। कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जिससे पता चलता है कि कई लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ा। तो आगे चलने के पहले मैं एक थोड़ा सा सुझाव, मैंने एक बार एक ईमेल से यानी जब आर्टिकल भेजा था पिछली बार, उस समय मैंने कहा था कि इस ये जो हमारा जूम मीटिंग चल रहा है लगभग 2 साल से चल रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों के कोई सुझाव हैं क्या? ये मेरा एक प्रश्न था। और दूसरा ये है कि पिछली बार जब 20-22 करीब लोग थे, आज केवल 18 लोग हैं। अब लोगों को भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों को अपने मित्रों को इसमें इन्वाइट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। आप लोगों का इसके वर्किंग के संबंध में और कैसे करना चाहिए इसके संबंध में कोई सजेशंस हो तो अवश्य बताइए। कुछ है कि नहीं?
आज दो तीन दिन नहीं आए। महाराज ठीक चल रहा है, महाराज ठीक चल रहा है, इसके लिए तो हम लोग एक वीक वेट करते हैं। अच्छा ठीक है। और अब जो आर्टिकल भेजते हैं वो रोज रोज पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। अब इसमें हमने आर्टिकल्स में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ यतीश्वरानंद जी की किताब पूरी कर ली, हाउ टू से गॉड उनकी किताब पूरी कर ली, स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में से, कर्मयोग में से, राजयोग में से, ज्ञान योग में से सिलेक्ट करके बहुत सारे आर्टिकल ले लिए हैं, और अब ये स्वामी विवेकानंद का भक्ति योग हम ले रहे हैं, स्वामी मेडिटेशन लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण द ग्रेट मास्टर, उसमें से भी कुछ आर्टिकल लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कहाँ से और लिए जाए, आप लोगों के कुछ सुझाव हो तो आप फ्रीली मुझे दीजिएगा। महाराज सिद्धीश बोल रहा हूँ, प्रणाम महाराज। हाँ बोलो भाई। महाराज आप गीता में से लीजिए, भगवत गीता में से लीजिए। भगवत गीता, अच्छा ठीक है, गुड आइडिया। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में आते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक एक चैप्टर का, हिंदी हिंदी इंग्लिश तो दोनों ही होता है, एक एक चैप्टर हम एक एक करके ले सकते। महाराज महाराज प्रणाम। मैं बोल रही हूँ स्वामी जी का जो ये सब आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने से बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग पहले इतना समझते नहीं थे, आप जब से ये कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये। अभी तो बहुत सारे जी, हाँ ये बहुत सारे आर्टिकल है महाराज जी। स्वामी जी समझ जी को वो पढ़े नहीं हम लोग 9 volume, तो आपका थ्रू ही हम लोग समझ रहे हैं स्वामी जी को हम लोग क्या मिस किया, अपना जीवन बेकार कर दिया, मैंने पूरा जीवन बेकार चला गया, अभी समझ में आ रहा है। आप स्वामी जी को कंटिन्यू कीजिए महाराज जी प्लीज। ठीक है ठीक है, बीच बीच में कभी एक आध बार गीता गीता भी दे दें कोई बात, ठीक है। क्योंकि स्वामी जी को अपने से पढ़ के स्वामी जी को समझना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और दूसरा जैसा ये चल रहा है उसी तरह चलने देंगे, और कोई सजेशन है आपका? मेरा सजेशन है कि आप एक बार क्वेश्चन पूछे थे ना, कम से कम आप 2 questions पूछिए तो कौन कौन जवाब दे, मतलब कोई जवाब हम लोग दे अपने से बनाएंगे ना तो उसमें ज्यादा ये होगा। यानी मैं क्वेश्चन पूछूं, आपको लिख के देते ना क्या क्या क्वेश्चन है, 2 या 3 आप दीजिए तो हम लोग एक एक जन प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने 2-3 आर्टिकल मैं एक एक लोगों को भेज दूं। हाँ जी जी, जैसे एक आर्टिकल बनाया व्हाट इज पराभक्ति और हमने उसको निवेदिता को भेज दिया, ऐसा? नहीं 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 महाराज जी, ये नहीं, इनका जो मैं समझ रहा हूँ कि आप कोई भी जो आर्टिकल नेक्स्ट संडे टॉक्स में है उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन दे दें और हम उसके जवाब तैयार करें। यही बोल रही मैं। ठीक है ठीक है ठीक, अच्छा ठीक। पर मेरे को डर ये था, मैंने पहले भी सुना था कि ऐसा करेंगे तो अगली बार लोग कम हो जाएंगे डर के मारे क्वेश्चन के बाद। महाराज जी जिसको जवाब देना है वो जवाब दे, आप नाम नहीं बता पूछेंगे कि भाई तुम जवाब दे। नहीं ये तो है ना कि मैं पूछू कि नहीं, मैं पूछूंगा कि भाई बना लिए क्वेश्चन बना लिए, अब मैं पूछूं अच्छा ईतु ये प्रेर का प्रश्न का जवाब दो, तो ईतु पहले से ही गायब है तो कैसा कैसे होगा। वही हमारा कहना है कि आप नाम नहीं देंगे कि आपको जवाब देना, जिसको जवाब देना इसीलिए तो सब डरेंगे, नहीं सब डरेंगे कि हमारा नाम आ जाएगा बाप रे। वही तो मेरा कहना है, वही मेरा कहना है कि आप 3 दे दीजिए और फॉरम ओपन कर दे, जिसको जवाब देना दे, पर आपने नाम दिया तो वो भाग जाएगा। हाँ नहीं नहीं, नाम तो नहीं दूंगा मैं, किसी का नाम नहीं दूंगा और प्रश्न पूछू भी नहीं किसी से ना। हाँ हम फोरम पे रखते, जिसको जवाब देना वो तैयार करके आ जाएगा देने। अच्छा लेट अस सी, एक कई प्रकार के प्रपोजल्स हो गए हैं, इसको करके देखते सब चल करें, डिस्कशन शुरू करें। ये कौन राम राम कर रहे हैं भाई? शिवानी, शिवानी है कि नहीं? हाँ जी महाराज प्रणाम। हाँ तुम्हारे प्रश्न ले। हाँ महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 76, द मैन हु हैज एंटर्ड इनटू द इनर श्राइन ऑफ पराभक्ति अलोन हैज द राइट टू से दैट
ऑल फॉर्म्स एंड सिंबल्स आर यूजलेस टू हिम एज एड्स टू रिलीजियस रियलाइजेशन. इट मीन्स those who has not entered in parabhakti should use or take the help of these symbols or forms. No, no, ये तो आप ऐसा कहते हैं ना, ये तो नेगेटिव हो गया. यानी जिनको जिनको पराभक्ति हो गई उनको रिचुअल्स और फॉर्म्स आवश्यकता नहीं है. स्वामी जी ने ये तो नहीं कहा है कि जितने जिनको पराभक्ति नहीं है उनको सभी की को आवश्यकता है, ऐसी बात तो नहीं कही है. ये does not mean इस तरह का नेगेटिव वो कर से पॉजिटिव नहीं कर सकते. अच्छा, यानी हाँ कोई आदमी जो है वो अपने शास्त्र अध्ययन करके प्रार्थना करके भक्ति करके जप करके भी तो पराभक्ति प्राप्त कर सकता है. उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो करना ही चाहिए उसको सिंबल्स और फॉर्म्स. हाँ, ठीक है. लेकिन जैसा है कि प्रेफरेबल अगर वो है तो ठीक है और नहीं तो नहीं सही. यानी कई लोगों के जन्म जन्मांतर संस्कारों में नहीं रहता है ये. नॉट कंपल्सरी मतलब. हाँ, कल्चर में नहीं है ये. इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उनको करना ही चाहिए, इस प्रकार का नियम नहीं बनाया जा सकता. ठीक है महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हायर नॉलेज एंड हायर लव आर वन टू द ट्रू लवर. So question is higher love due to past karma? No. Past karma kyun laate ho? Higher love ki baat kar rahe ho na? Parabhakti jo hai na, to wo to ek, ye to theek hai ki ek janm mein to hoti nahi hai. Theek hai. Jaise gopiyan thi, ye to usme kya na, gopiyan jo thi, wo purva janm mein uch koti ki sadhikaen thi. साधिकाएं नहीं, पुरुष थे वो लोग, कठोर तपस्या करने वाले ऋषि थे वो लोग. अंतिम जन्म में गोपी के रूप में जन्म लिया था, ये भागवत में लिखा हुआ है. यानी पता नहीं उन्होंने कितने जन्मों की साधना की है, उसके बाद में ऋषि बने, ऋषि करके कठोर साधना की और उसके बाद में इस जन्म में वो गोपी बन के भगवान के साथ का प्रेम किया था. तो इसमें डेफिनेटली है कि गोपियां जो है वो साधक थी पास्ट लाइफ में, तो पूर्व जन्म के इंप्रेशंस तो होते ही हैं. ठीक है. और एक और प्रश्न था ना, हावे हायर लव. सो इज इट पॉसिबल टू हैव हायर भक्ति इन वन बर्थ? तो वो आपने दे दी आंसर. अब भाई ये बड़ा मुश्किल है. वो एक कोई एक उच्च कोटि का बहुत भक्त हो, इतनी तीव्रता हो, तो दूसरी बात है. ठीक है महाराज. और महाराज जो आप अभी सजेशन पूछ रहे थे ना, मेरा ये कहना है कि भागवत गीता का आप एक श्लोक ले लिया कीजिए अलोंग विद आर्टिकल. अच्छा ठीक है, ठीक है, देखा जाए. अच्छा जैसे कौन से गुड आइडिया. ठीक है महाराज, प्रणाम. और भी तो है तुम्हारे? बस महाराज दो ही थे. वो एक था ना हायर लव एंड नॉलेज, सेम यही था महाराज. नहीं नहीं ये नहीं था हायर. तुम्हारे फिर से पढ़ो उसको, प्रश्न को. प्रश्न है द पैराग्राफ सेकंड प्रश्न है. सेकंड प्रश्न, द हायर नॉलेज एंड हायर लव आर वन टू द ट्रू लवर. तो मेरा क्वेश्चन था, प्लीज गिव सम एग्जांपल्स. गोपी गोपियां. हाँ वो आपने बता दिया. हाँ कि गोपियां जो है नहीं उनको गोपी गीत पढ़ो ना उनका. तो गोपी गीत में कृष्ण कहते हैं, सब बार बार बोलते हैं कि कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो इत्यादि की बात करती हैं. मतलब प्रेम से केवल कृष्ण को नहीं, उनको प्रेम से उनको ज्ञान भी हुआ था, ये बात. अच्छा अच्छा ठीक है महाराज. सतीश सतीश वेग. सतीश नहीं हो? है तैयारी कर रहा है. प्रणाम महाराज. महाराज एक मिनट जरा मैं निकाल लूं उसको. अच्छा 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 अच्छा. मीनवाइल महाराज ये पूछना था कि जब गोपी गोपी के पास उद्धव गए थे और वो ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो वो कह रहे थे हमें ये सब नहीं पता, हमें हम तो सिर्फ कृष्ण को जानते हैं. तो देयर इट वाज ओनली हायर लव, हायर नॉलेज की तो से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया. हाँ लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण विलीन हो गए थे जी, तो उसके बाद में वो भगवान स्तुति करते हैं जी, उसका वर्णन जो गोपी गीत में है उसमें वहां पे ज्ञान डेफिनेटली है.
तो उद्धव ने तो ज्ञान दिया था लेकिन उन्होंने अपने आप को ज्ञान से मोड़ लिया था। अरे वो उद्धव क्या मूर्ख है, उसका क्या देगा गोपियों को ज्ञान वो। अच्छा अच्छा जी जी तुम मुझे यानी मामू क्या, तुम क्या मुझे हम लोगों को ज्ञान दोगे, ये मानो ये मानो भाव था। जी 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 महाराज पूछो क्वेश्चन महाराज। हाँ पूछो प्रश्न। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, वेर एवर देर इज एनी ब्लिस इवन दो इन द मोस्ट सेंसुअल ऑफ थिंग्स देर इज अ स्पार्क ऑफ दैट एटर्नल ब्लिस विच इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी महाराज एट अवर लव फॉर वर्ल्डली रिलेशंस, ऑल अवर लव फॉर वर्ल्डली रिलेशंस दैट इज हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लव फॉर गॉड, बट ऑल दिस इज मिस इंडायरेक्टेड, दिस इज दैट इज नॉट टुवर्ड्स द गॉड। महाराज माई क्वेश्चन इज हाउ कैन द लव फॉर आत्मा और ऑल एल्स इज अनात्मा, हाउ कैन द लव कैन बी सेम फॉर द आत्मा एंड द अनात्मा, अनात्मा का लव भी आत्मा के लव के कैसे हो सकता है। अरे देखो तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो जी, पहले ब्लिस लगाया फिर कहा लव इन मिसडायरेक्टेड और फिर आत्मा अनात्मा क्यों लाते हो यहाँ पे। जी जी महाराज ये तीन चीजें मिक्स कर दी तुमने, गोपियों का प्रेम तो भगवान के प्रति था बस, तो आत्मा अनात्मा क्यों लाते हो। ये आत्मा अनात्मा तुम ज्ञान की बात कर रहे हो कि आत्मा ही आत्मा को प्रेम करता है, आत्मनियव आत्मा, हाँ आत्मनियव वतिष्ठते, वो सब ज्ञान की बातें हैं। भक्त जो है वो केवल भगवान को ही देखता है बाहर और उसको उसमें सुख मिलता है, आनंद ब्लिस मिलता है। अब इसमें आत्मा क्यों लाते हो बीच में, तुम्हारे दूसरा चीज भिन्न हो गई। स्वामी जी कह रहे हैं ना कि जो हम जो संसार में भी जो प्रेम है वो परमात्मा के प्रेम है, तो हाँ तो परमात्मा रहने दो, आत्मा आत्मा क्यों लाते हो संसार में। ये जो हम प्रेम जो कर रहे हैं, जो जो संसार में प्रेम है ना, वो भी परमात्मा की प्रेम है, मिसडायरेक्टेड हो गया है, यही तो बोल रहे हो ना तुम। जी जी महाराज, जी महाराज। अब तुम्हारा प्रश्न ये क्यों हो गया कि ये संसार तो अनात्मा है और परमात्मा ही एक आत्मा है, परमात्मा ही है जो असली प्रेम है। हाँ तब तुम्हारा प्रश्न क्या है कि ये संसार में जो हमारा प्रेम है वो ईश्वर का प्रेम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये संसार तो अनात्मा है, आत्मा नहीं अनात्मा है। हाँ ये तो अज्ञान के कारण हो गया, अविद्या के, अविद्या माया के कारण हो रहा है। जी जी महाराज, अविद्या के कारण हम हमारा जो मन है वो हम संसार में लगा रहे हैं, वस्तुतः आत्मा ही एकमात्र चीज है या ब्रह्म ही है, सर्वत्र है, लोग नहीं समझते। वो बच्चे को प्रेम करते हैं ये नहीं समझते कि यह प्रेम जो है बच्चे के भीतर जो आत्मा है या परमात्मा है उसके प्रति प्रेम है, ये अविद्या या अज्ञान के कारण होता है या मिथ्या के कारण माया के कारण होता है, ये समझ। जी जी महाराज, राइट महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, यू फील द फ्रिक्शंस ओनली व्हेन यू आर इन द करंट ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ इट सिंपली एज ए विटनेस एंड एज ए स्टूडेंट, you will be able to see that there are millions and millions of channels in which God is manifesting himself as love. My question Maharaj is how to overcome the frictions? Sadhana ke dwara, spiritual practice ke dwara, niswarth hone ke dwara, chitta shuddhi ke dwara, how ka prashna yahi ekmatra uttar hai. Niswarth sadhana karne se chitta jab shuddh hoga तो आप सब देखेंगे ये कितने हैं, ये धर्म बहुत सारे ये चैनल्स बने हुए हैं। अरे कौन बोल रहा है भाई पीछे, जी जी महाराज मीराज, तो ये देर आर मिलियंस एंड मिलियंस चैनल्स इन इन व्हिच गॉड इज, पता चलेगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चैनल्स, यानी प्रेम जो है वो असंख्य रूपों में व्यक्त हो रहा है। जी जी जी, ये यानी पति और पत्नी के रूप में, माँ के और पुत्र के रूप में, संसार के विषयों के प्रति आकर्षण के रूप में,
यह सब प्रेम जो है मिलियंस प्रकार से व्यक्त हो रहा है। जब हम चित्त शुद्धि होगी तो अब तब तब प्रेमों को हम देख पाएंगे। ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, हाउ कैन वी रीडायरेक्ट ऑल अवर पेन्स एंड मिजरीज टुवर्ड्स गॉड। ये पेजेस 78-79 में। अगर पेन हुआ तो जैसे पेन हुआ आपको, जी जी ध्यान कीजिए। ध्यान में अगर आपको अच्छा मेडिटेशन नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव गुड मेडिटेशन। ये पेन हुआ, ये पेन हमारा मेडिटेशन से संबंधित हो गया, भगवान से संबंधित हो गया। आई वॉज बिजी, मैं टीवी देख रहा था, मैंने बहुत लंबे समय तक टीवी देखा, इसलिए देखो मैंने कितना टाइम बर्बाद किया। ये मेरा पेन हुआ ना, कष्ट हुआ, ये भगवान से संबंधित हो गया। प्लेजर अपोजिट, आई हैड अ गुड डे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आज जूम मीटिंग में गए थे, आज मन बड़ा अच्छा हुआ है। ये हुआ प्लेजर एंड पेन, हमने भगवान के साथ में युक्त कर दिया। संसार की सभी क्रियाओं के साथ में इस प्रकार से आध्यात्मिकता को, यदि संसार सभी क्रियाओं को आध्यात्मिक रूप से करेंगे तो ये भगवान के साथ उनका संबंध हो जाए। बराबर, ठीक ठीक है, बराबर। ट्राई टू, यानी संसार की सभी क्रियाओं को, सभी बातों को, हमारे मन की बातों को भगवान के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए हमको। जी 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 महाराज, जी ठीक महाराज, बहुत सुंदर महाराज। जी जी, लास्ट क्वेश्चन महाराज। ऑर्डिनरली ह्यूमन लव इज सीन टू फ्लोरिश इन प्लेसेस वेयर इट इज रिटर्न्ड, वेयर लव डज नॉट रिटर्न फॉर लव, ओल्ड इनडिफरेंस इज द नेचुरल रिजल्ट। There are, however, rare instances in which we may notice love exhibiting itself when there is no return of love to love, because it is nature of love to love. Maharaj, how can we develop such a state of mind? देखो ऐसा है कि माँ क्या है, बच्चे को प्यार करती है। जी जी माँ, वो कभी सोचनी थी कि बच्चे प्यार जो है वो रिटर्न होगा? नहीं महाराज, सबसे पहले तो ये मन में निश्चित रूप से बिठा लीजिए कि वही जो है दैट इज द आइडियल। जी राइट, वो एक निस्वार्थ प्रेम करना, लव फॉर लव सेक। स्वामी विवेकानंद बार बार इस चीज को कहते हैं, लव फॉर सेक, प्रेम करना लेकिन इच्छा नहीं करना उसके फल की, कि वो भी मुझे प्रेम करे, ये है आदर्श। ये बात मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। जी महाराज, दूसरी चीज आपको करना चाहिए के जीवन में सभी क्षेत्रों में अनसेल्फिश होने का और दूसरों की सेवा करने का कोशिश करते रहिए, इवन इफ उसके आपको उसका फल मिले या नहीं मिले। यानी दो चीजें करनी है, एक तो बना लेना है मन में ये जो बात स्वामी जी ने कही है कि लव फॉर लव सेक विदाउट रिटर्न, ये हमारे लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरा उसको प्राप्त करने के लिए निस्वार्थता और सेवा का अभ्यास कीजिए। जहाँ कहीं भी मौका मिले लोगों की सेवा कीजिए, जहाँ कभी मौका मिले निस्वार्थ होने का प्रयत्न कीजिए, दान दीजिए इत्यादि। बी ए गिवर, नॉट ए नेवर ए टेकर। टेक ऑलवेज द पोजीशन ऑफ द गिवर, गिव लव, गिव फ्रेंडशिप, गिव व्हाट एवर यू हैव, बट कीप आउट बार्टर। मैंने दिया है तो मुझे इतना मिलेगा, इट विल कम टू यू बट डोंट वरी अबाउट इट। So, स्वामी विवेकानंद इस बात को बार बार कहते हैं, और सच पूछा जाए इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज समटाइम्स वी फील। आप स्वार्थ मत रखिए कि कुछ मिलना चाहिए, अपना काम किए जाइए, अपने कर्तव्य किए जाइए, लोगों को प्रेम से मदद करते जाइए, ये मत सोचिए कि वो मुझे करेगा कि। एक तो कहाँ भी है ना, किसकी कहानी है, स्वामी जी की है या किसी की है, भवारी बाबा की है या कोई की है, इस महाराज फलाना फलाना व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, डांट रहा था, गाली दे रहा था, आपको बुरा कह रहा था। कहते हैं क्यों, मैंने तो उसका कभी भला नहीं किया। यानी जितने लोगों को मैंने भला किया उन लोगों ने मेरा गालियां दी है। संसार का ये नियम है, आप कुछ करेंगे तो उल्टा आपको मिलेगा। कुछ किए जाइए, सेवा किए जाइए, प्रेम आपकी तरफ से प्रेम किए जाइए, निस्वार्थ होते जाइए, बस। That is, we must expand our heart. No, expand, yeah.
अरे एक्सपांड कैसे करोगे, हाथ को पकड़ के खींचोगे क्या हार्ट को? जी जी जी। अरे एक्सपांड होने का हार्ट का मतलब क्या? यही तो हुआ निस्वार्थ होना, दूसरों को प्रेम करना, देना, हृदय से अनुभव करना दूसरे की सफरिंग को। निस्वार्थ शब्द एक्सपांड होना क्या, एक्सपांड का शब्द अर्थ क्या क्या होगा? ये जो आपने कहा वही बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी एक छोटा सवाल है कि वी शुड बी ए गिवर एंड नॉट द रिसीवर, पर इन रिटर्न में जो रिसीव होता है तो उसका क्या करना चाहिए? हम तो ले लेते हैं, हम छोड़ते नहीं है। नहीं, दैट इज सो दैट शुड बी अगेन गिवन। ओ सर, साइकिल में क्या करोगे? अरे ये प्रणाम ही आप लोग देते हैं तो क्या करते हैं हम? बड़े मुश्किल है, मना भी तो नहीं कर सकते। हम दे देते हैं, हमारे चैरिटी बॉक्स में डाल देते हैं, या फिर दे देते हैं भाई पुअर पेशेंट्स की दवाई खरीदने के लिए ले लो। यस, तो क्या करना? राइट, तो जो आया है उसको आप साइकिल में डाल दीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर स्वामी जी विवेकानंद कहते हैं इफ यू गो ऑन गिविंग डोंट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न, इट विल कम टू यू 10 times। एग्जैक्टली जी, अगर दोगे तो इट विल कम 10 times। और ये बड़ी मुश्किल होती है जो देने वाला है उसके लिए, जो जो देता है ना उसके लिए जब आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्या करें? और मेहनत बढ़ गई, हमारे काम बढ़ गया, उसको देना पड़ता है, कंटिन्यूअसली देना पड़ता है। पर महाराज जी ये बराबर है कि उसको देना है, परंतु क्या हमने पात्र देख के देना है या बिना पात्र देख के देना? अब ये आदर्श तो ये है कि पात्र देख के देना चाहिए, और उसमें पागल हो जाते हैं क्योंकि पात्र सही मिलना बड़ा मुश्किल होता है। भाई बड़ी मुश्किल होता है। हाँ। बात तो ठीक है। जी बात। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, तब क्या करेंगे बाबा? अच्छा, और उसमें होता क्या है कि दिमाग उसी में घूमता रहता है, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। अरे ये देना है किसको दो, इसको दो तो ये गलत है, इसको दो तो हमारा दिमाग। अब बाबा ये बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग जो है ना वापस लेते नहीं है। जी जी महाराज जी, नाम महाराज। अच्छा भाई, सुबीर मजुमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी, जस्ट वन मिनट महाराज। महाराज पहला सवाल है, ऑन पेज 74 स्वामी जी सेज डू नॉट लुक अपॉन ह्यूमैनिटी एज द सेंटर ऑफ ऑल योर ह्यूमन एंड हायर इंटरेस्ट्स, stand as a witness, as a student, and observe the phenomena of nature. My question is, how to look at evil and wrong as witness indifferently in our vyavarik life? देखो, ये बात स्वामी जी इस आर्टिकल में बार बार कहते हैं, be a witness. ये अपने आप में एक साधना है। ऐसा है कि एक तो ये है कि ये कहा है क्या किसी सामने वाले व्यक्ति की पर्सनल पेटिनेस वगैरह है ना, उसको छोड़ने के लिए। दूसरा है बी ए विटनेस, इंटरेस्ट राइज अबोव पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, हाँ, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज द पॉइंट। योर क्वेश्चन इज फर्स्ट बी ए विटनेस ऑफ, इसके लिए शुरू करने के पहले अपने आप के साक्षी बनो पहले। अच्छा। अपने मन के साक्षी बनो। राइट। हाँ, उसके बाद में जो समाज में इविल्स है ना, सारे इविल्स को तुम दूर नहीं कर सकते। अगर आपके बीच में आ गया, तुम्हारी ड्यूटी जो है उतना तो करो। जी। जो ड्यूटी आ गई है, कुछ आ गया है, तुम्हारे साथी आ गया है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तुम उसको थोड़ा सुझाव दे सकते हो। संसार में अगर इविल दूर नहीं करने लगेगे ना, तो चक्कर में पड़ जाओगे, कभी उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और अगर सोशल और पर्सनल ड्यूटीज करो, उसमें बी ए विटनेस ऑलवेज। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कितना किया देखा ना, सारे राष्ट्र को लूटपाट करने के लिए किया, महान सब काम किया, लेकिन टोटली एब्सोल्युटली अनअटैच्ड थे कि नहीं? अनअटैच्ड,
कम्प्लीटली। अच्छा, और गीता में क्या कहा है? यही तो बात कही है, युद्ध तक करने को कहा है ना। और वो युद्ध में जो इविल को नाश करने के लिए ही तो है, अधर्म को नाश करने के लिए युद्ध किया, और फिर भी वहां पे भगवान कहते हैं अनअटैच होके करो। जी महाराज, तो इविल की बात जो है, तो जो आपके बस में है, आपकी ड्यूटी से संबंधित इविल है वो करो। संसार के सब इविल को दूर नहीं कर सकोगे, पहला। दूसरे, उसे साक्षी भाव से करो, अनासक्त होकर करो। गीता उसका श्रेष्ठतम दृष्टांत है। यानी इविल को नाश कर रहे हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को पूर्ण रूप से अनअटैच्ड होके कर कर। जी, इज दैट ओके? बिल्कुल महाराज। एंड लास्टली, हां बोलो, लास्टली एज यू सेड, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। यस, करेक्ट महाराज। क्या किसी ने और क्या प्रश्न पूछा? प्रणाम स्वामी जी, रीता हाँ, तो जो आप बोल रहे थे विटनेस होके देखो, दिस विटनेसिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, हाउ टू डू द विटनेसिंग? पहले अपने आप को रोज सुबह बैठ के अपने आप के शरीर को देखो मनी मन। स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट विद दिस, गिव इट, मेक ए प्रैक्टिस। पांच मिनट तक अपनी आंख के ऊपर मन को ले जाओ, फिर नाक पे ले जाओ, फिर सिर के ऊपर ले जाओ, फिर हाथ के ऊपर ले जाओ, फिर पेट के ऊपर ले जाओ। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस डेफिनेटली है। धीरे धीरे हमारे शरीर के विटनेस बनने का प्रयत्न उसके बाद में जब इतना काफी हो जावे, तो उसके साथ में मन के विटनेस बनने की थोड़ी सी प्रति प्रति थैंक यू स्वामी जी। नाउ प्रैक्टिस करो ना, बोल दिया, क्वेश्चन लिया, यहाँ पे जवाब दे दिया, लेकिन नहीं स्वामी जी, जरूर प्रैक्टिस करूंगी, करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा यू नो इट हिल जुल जाता है। अच्छा, स्पेशली कॉफी। ठीक है, चलो। दूसरा क्या जी महाराज? हाँ, सेकंड क्वेश्चन था, हाउ टू लव समष्टि बिफोर लविंग व्यष्टि? Only when we realize God in ourselves can it take a higher form, which Sri Thakur called Vijnana, where we see God everywhere. Should not it be microcosm to macrocosm? ऐसा है कि you know the love of God. जी तुम्हारा प्रश्न अब फिर से मैक्रोकॉसम और माइक्रोकॉसम क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? लास्ट में क्या बोला, लास्ट सेंटेंस? मतलब यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले व्यष्टि को पहले समष्टि को प्यार कर 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 पाओगे, तभी तुम देन यू विल बी एबल टू लव व्यष्टि। व्यष्टि तो मैं ये कह रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फर्स्ट वी हैव टू लर्न टू रियलाइज गॉड आवरसेल्व्स, then only we can think of the samashti. मेरा ये कहना था। ऐसा है कि अगर केवल व्यष्टि को, individual को रहोगे ना, तो there is every likelihood of your becoming selfish. अच्छा। If you love अने only व्यष्टि, व्यष्टि, it may make you selfish. और समष्टि है लव ऑफ द वर्ल्ड, बाहर किसी का तो प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो अरे भाई परिवार में तो व्यक्ति एक अपने पति पत्नी को, बच्चों को, सबको तो प्यार करता ही है ना, तो ये तो व्यष्टि हुआ। लेकिन अच्छा, जब तक समष्टि में प्रेम नहीं होगा तब तक ये जो है इट इज लाइकली टू मेक इनटू बिकम यू सेल्फिश। इसलिए भगवान जो सर्वव्यापी है, ये बैकग्राउंड में हमेशा भाव रहना चाहिए, नहीं तो इट इज ऑलवेज। जैसे मैं समझ गया। तो जैसे हम रामकृष्ण मिशन में हैं, तो हम सब जो कुछ भी काम करें तो पहले बेसिस में तो श्री रामकृष्ण है ना, कॉन्स्टेंटली दैट फीलिंग ऑफ श्री रामकृष्ण इज ऑलवेज देयर इन विच सम फॉर्म और द अदर। जी जी, सो दैट भगवान का भाव किसी न किसी प्रकार से हमेशा बना रहना चाहिए। मैं समझ गया महाराज। ओके ओके, हाँ महाराज जी, प्रणाम। हाँ नहीं, एक दो सवाल और है महाराज जी। हाँ हाँ, चलो ना। हाँ, जस्ट वन सेकंड महाराज। महाराज, इससे सुख दुख भी कम हो जाता है ना?
अब यह दुख का तो पॉइंट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक बात मतलब है, मतलब जैसे हमको कोई दुखी करे तो वो दुख भी हम मतलब विटनेस के रूप में जब लेते हैं तो वो दुख भी कम हो जाता है ना। देखो विटनेस की बात कई जगह चली, विटनेस तो होना ही चाहिए। यहाँ पे तो समष्टि के चिंतन की बात कर रहे हैं। तो जब हम समझ रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं हमें, न करो ना किसी प्रकार का करो, तो और विटनेस का तो पॉइंट रिपीटेडली इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, विटनेस बनने की कोशिश करना चाहिए जी। महाराज तीसरा सवाल करूं? हाँ करो ना दूसरा। हाँ तीसरा सवाल था हाँ, इन भक्ति वी हियर दीज टर्म्स वैदिक भक्ति गौणी भक्ति अपरा भक्ति, तो सेम अपरा भक्ति तो हाँ ऑल थ्री आर सेम सेम। ओके ओके, तो मैं इसी के बारे में जानना चाह रहा था। पराभक्ति तो मैं समझ गया, बाकी भक्ति तीनों वो सेम ही है। ऑल आर सेम, सेम वर्ड ओनली मीनिंग इज सेम, ओनली थ्री डिफरेंट वर्ड्स। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, मदर्स लव, इसके बारे में आप ऑलरेडी एक कमेंट कर चुके थे। मदर्स लव व्हेन शी रिमेन्स अवेक नाइट आफ्टर नाइट टू केयर फॉर हर हेल्पलेस इन्फेंट सीम्स टू बी अ हाई स्टेट ऑफ लव वेयर देयर इज नो सेल्फिशनेस। व्हेन द इन्फेंट ग्रोज ओल्डर द मदर माइट बिगिन टू हार्बर एक्सपेक्टेशंस एंड हैव मोर सेल्फिश मोटिव्स फ्रॉम हर चाइल्ड विद एक्सपेक्टेशंस, बट इन दिस अर्लियर स्टेज विच आई जस्ट सेड इज इट नॉट ए स्टेट ऑफ रेयर अनसेल्फिश लव, क्योंकि स्वामी जी हैज given an example of an unselfish love in the form of moth and the fire, but that is only example he has given. But is mother's love towards an infant also not a rare unselfish love? Yes. It is definitely one of the best examples of unselfish love. Ji Maharaj. Isi ka clear clarification. That's all Maharaj. Pranam Maharaj. Chalo, Itu Ghosh. जी मैं बोल रही हूँ, कहाँ गया? क्या हुआ जी? हाँ बोलो बोलो। मेरा पहला प्रश्न है जी, मेरा पहला प्रश्न है नोइंग दैट द लॉर्ड इज इन एवरी बीइंग बीइंग द वाइज हैव दस टू मैनिफेस्ट अनस्वर्विंग लव टुवर्ड्स ऑल बीइंग। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ वन रियलाइज एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ दिस आवाज घुट 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 कर रहा है। अरे वो दैट इज द आइडियल, आइडियल वो है जी, आइडियल है सबको अनसेल्फिश लव करना है, समझ को संसार के सभी प्राणियों को, दैट इज द आइडियल। बट बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर। Yes, लेकिन कैसे समझेंगे कि इधर हम क्या हुआ क्या नहीं? हाँ उन्नति हो रहा है जी, कैसे समझेंगे कि थोड़ा भी उन्नति हो रहा है? अरे आपको प्रेम संसार के लोगों से प्रेम हो रहा है, दूसरे लोगों से प्रेम हो रहा है, परिवार के बाहर से भी लोगों का प्रेम हो रहा है। पहले अपने स्वयं से प्रेम होता है, फिर अपने मित्रों से प्रेम होता है, फिर परिवार से प्रेम होता है, मित्र से होता है, उसके बाद में समाज के लोगों की हम सहायता करते हैं। धीरे धीरे ऐसे पता चलता है कि हमारा हृदय जो है वो विशाल हो रहा है। अच्छा, मतलब वो अपने आप समझ में आती है। हाँ। ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है, व्हेन दिस फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हेन दिस सुप्रीम लव वंस कम्स इनटू द हार्ट ऑफ मैन, his mind will continuously think of God and remember nothing else.
Now my question is, this is from the text. My question is, when this on someone, it seems it becomes almost impossible to continue the sense of this body, my body-mind complex. So at that period, does one behave unnaturally? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, क्या होगा, अननेचुरली नेचुरली तुम चिंता मत करो. हाँ वो चिंता अभी क्या कहे करते हो, डोंट वरी अबाउट व्हाट विल हैपन. ठाकुर को देखो, ठाकुर का क्या सिचुएशन हुआ था जी. हाँ दिस आर्टिकल इज अ पराभक्ति, पार्ट ऑफ भक्ति. ओके हाँ ठीक है. ओके okay. मेरा प्रश्न हाँ, और प्रश्न नहीं है. निवेदिता हाँ प्रणाम. पहला जो प्रश्न है वो आपने अभी बताया, डू नॉट लुक अपॉन द ह्यूमैनिटी एज सेंटर ऑफ योर योर ह्यूमन एंड हायर इंटरेस्ट स्टैंड एज, ये आपने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया. हाँ सब ने बताया, ये पहले ही शुरू शुरू में स्वामी जी ने कहा. हाउ टू डायरेक्ट लव, सेकंड प्रश्न है हाउ टू डायरेक्ट लव टू डिवाइन एंड नॉट टू अवर रिलेटिव्स हुम ठाकुर इज कॉलिंग देम काल शार्प. मींस व्हेन वी लव द अवर रिलेटिव्स दैट शुड नॉट बी दिस वन एंड विदाउट लविंग गॉड. So how we should not separate them, no? We should see God in everybody. So Thakur, this is calling, this is your Atya Shajan is Kaloshap. And so that thing I want to No, God Sahib, ye hai ki jinko tum apna samajhte ho, wo log unse kuch expect nahi karna, wo log tumhara bura karenge, Kal Sahib jaise hai wo. ये इस पॉइंट से उन्होंने कहा था कि वो उनसे तुम दूर रहना. बट रिलेटिव कैसे तो हम दूर नहीं रहते, वी हैव टू डू आवर ड्यूटी टू देम. हाँ ड्यूटी है ठीक है, लेकिन उनसे समय सावधान रहना. ठाकुर साहब सावधान रहने को बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाप रे काल सांप तक की बात कह दी उन्होंने बाप. अच्छा वो जो तुमने कहा ना पहला क्वेश्चन जो है ना अनअटैच्ड होने का, उसका एक सबसे अच्छी स्टोरी तो स्वामी ठाकुर ही खुद बोलते थे ना कि एक आदमी था, उसको बूढ़ी उम्र में बच्चा हुआ, उससे बहुत अटैच था जी. उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर बड़ा बड़ा होके मर गया वो. तो लोगों ने समझता था कि इतना ही अटैच है उससे तो वो तो पागल ही हो जाएगा. जी जी लेकिन कुछ नहीं हुआ, वैसा के वैसा ही शांत बना रहा. तो ये अटैचमेंट और लव और अटैचमेंट को दूर रहना, ये बड़ा क्लियरली स्वामी जी ठाकुर ने कहा. महाराज जब उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं, ये शोक क्यों हो रहा, दुख क्यों हो रहा, तो बोला उसने कहा कि सपने में मेरे 7 पुत्र थे, 7 मर गए. नहीं नहीं ये एक दूसरी कहानी है. अच्छा ये दूसरी कहानी. एक कहानी है इसमें नहीं, ठाकुर की इसमें नहीं, और कहीं पे मैंने पढ़ी है कि बहुत बच्चे नहीं थे, फिर एक बार बच्चा हुआ बहुत बुढ़ा उम्र में, वो 15 बरस का उम्र में मर गया, ये शांत रहा रहा. तो उसकी पत्नी रोने लग गई, हाँ कि देखो ऐसा सोने जैसा लड़का मर गया और ये रोता नहीं है. हाँ ठीक है वही इसी में ही है शायद, इसी में ही है महाराज. हाँ वो इसी में है, इसी में. तो सपने में जो 7 पुत्र मर रहे उसके लिए शोक करूं कि इसके लिए करूं? वो ज्ञानी है, ज्ञानी. जी जी महाराज जी, महाराज जी इस सवाल के एक मेरा इस तरह से देखता हूं मैं, जो रिलेटिव्स लोग हैं कि जैसे एक भक्त को, जैसे ठाकुर ने कहा है एक अपनी तरफ चारों, जैसे पेड़ के चारों वैसे एक घेरा बना के रखना चाहिए, तो वी हैव टू मेक ए फेंस ऑल आवर अराउंड अस. तो सिमिलरली एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाना चाहिए जो रिलेटिव्स हैं जिनको वो कालसर बह रहे, तो उनसे फिर हम बचाव कर सकते हैं. ये मेरा तो बता के बचा के रहना चाहिए हमारे विचारों हाँ, में व्यवहार व्यवहार में सावधान तो रहना हाँ, ही पड़ेगा. हाँ स्पिरिचुअल बैरियर हमारा.
अच्छा तीसरा प्रश्न है महाराज, दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? दूसरा क्वेश्चन ये रिलेटिव्स के बारे में, मीन्स अकाल शाप का। अच्छा ठीक है, वो ऑलरेडी बताया आपने। द माइटी इन द थर्ड क्वेश्चन, द माइटी इन्फिनिट लव ऑफ गॉड विच एंटर्स हिज हार्ट लिव्स नो प्लेस फॉर एनी अदर लव टू लिव देयर, पेज 76। माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन भक्त स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम द लव जर्नी ऑफ लव टुवर्ड्स डिवाइन, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अदर मेंबर्स? बिकॉज़ वो दूसरे रास्ते पे जा रहा है ना। तो ये कह रहे क्या है, पागल हो गया है, ये छोड़ देगा, क्या करेगा। इसलिए वो उसके साथ संसार के साथ जमती नहीं है, तो सीधी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का, वो तो बहुत मुश्किल, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। तो संसार से जितना दूर रहो उतना रहो। संसारी लोगों से जितना दूर रहना हो उतना रहो, और क्या करोगे, धीरे धीरे कम करना है। हम लोग तो साधु हो तो बन, हम लोग तो साधु बन जाते हैं ना भगवान बच गए। चौथा प्रश्न है, प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ पराभक्ति। आपने अभी गोपियों के बारे में बताया और ठाकुर, हाँ ठाकुर और एक मीराबाई का भी अपन ले सकते, कई कई दृष्टांत देख मिल सकते हैं आपको। अच्छा पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेवा ऑफ ए कर्म योगी एंड पराभक्ति योगी, विच इज सुपीरियर? कर्म योगी तो है ना। हाँ कर्म योगी तो इतना प्यार नहीं करेगा ना ठाकुर को, मतलब पराभक्ति जो है ना ये तो प्रेम का है, ऑलवेज सुपीरियर। हम लोग केवल कर्मयोगी बन सकते हैं, पराभक्ति करना बहुत कठिन है बाबा, उच्चतम है वो, उच्चतम। बस हो गया महाराज, ठीक है। पर ये आर्टिकल ये बता रहा है महाराज कि इट इज इजी फॉर ए भक्ति, पराभक्ति इज इजी देन द कर्मयोगी, ये आर्टिकल तो ये बता रहा है। कहां लिखा है ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, पराभक्ति बहुत ही मुश्किल है महाराज जी, ये बताया है, यस इट इज देयर कि इट इज इजीयर। नहीं वो कह रहे कि भक्ति और ज्ञान इजीयर देन, और ज्ञान भक्ति योग इज इजीयर। इसमें कंपेयर भी किया है कि कर्म करने के अंदर हमको ज्यादा तकलीफ पड़ती है, इसके अंदर तकलीफ नहीं पड़ती, यू आर वेरी इजी स्मूथ गोइंग, इट इज रिटन इन द आर्टिकल। वो तो ऐसा है कि प्रेम जो है वो स्वाभाविक होने के कारण, हाँ, लेकिन जब उच्चतम स्थिति आती है ना तो वो इतनी आसानी से नहीं आती, पूर्ण रूप से निस्वार्थ होना पड़ता है। तो कर्मयोग जो है वो भक्ति के लिए सहायक हो जाता है, इसमें डेफिनेट। अच्छा जी जी, चलो देवाशीष जी। महाराज जी पहला क्वेश्चन तो हो ही गया लगता है, ऐसा कभी पढ़ू क्या? हो गया तो चलो आगे चलो। अच्छा ठीक है, पढ़ डालो। सुबह है मैडम, निवेदिता मैडम ने पूछी है ये, चलो पहला मैंने ये कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ू? हाँ पढ़ो पहला क्वेश्चन। डू नॉट लुक अपॉन ह्यूमैनिटी एज द सेंटर ऑफ ऑल ह्यूमन and higher interests, stand as a witness, as a student, and observe the phenomena of nature, have the feeling of personal non-attachment with regard to man, and see how this mighty feeling of love is working itself out in the world. Sometimes a little friction is produced, but that is only in the course of the struggle to attain the higher real love. तो इसको मैंने इसलिए तुमसे कहा पूछने को कि देर आर थ्री निगेटिव थिंग्स, समझ लो अच्छी तरह। निगेटिव चीज क्या है? फर्स्ट इज बी विटनेस, सेकेंडली पर्सनली गेट नॉन अटैच, डोंट गेट पर्सनली अटैच, एंड थर्डली डोंट मेक ह्यूमैनिटी एज द गोल,
ये छोटी सी बात में स्वामी जी ने तीन इंपॉर्टेंट बात कह दी है, पर्सनल अटैचमेंट ही नहीं होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए और डोंट मेक ह्यूमैनिटी एज द गॉड। सेकंड पॉजिटिव में एक मेक गॉड, यहाँ ऑटोमेटिक कहा नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली लव विल बिकम प्योर एंड माइटी इफ यू कैन मेक गॉड एज द गॉड। सो इन दिस सेंटेंस ये दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेज मस्ट बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट स्वामी विवेकानंद सेज दिस इज पराभक्ति। पराभक्ति के कॉन्टेक्स्ट में देखो कि कुछ चीजें हमको पूरी तरह छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद मन भगवान में लगाना पड़ेगा। चलो आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन ले लो। सेकंड क्वेश्चन, यू फील फ्रिक्शन ओनली व्हेन यू आर इन द करंट ऑफ द वर्ल्ड बट व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ इट सिंपली एज ए विटनेस एंड एज ए स्टूडेंट यू विल बी एबल टू सी दैट देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चैनल्स इन व्हिच गॉड इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ एज लव। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बात तो बी विटनेस, विटनेस होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट चीज कही। और जगह मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव, मदर का चाइल्ड के प्रति लव, चाइल्ड का टॉय के प्रति लव है, और दूसरा है मैनी एवरीवेयर, एक भक्त जो है वो भगवान को प्यार कर रहा है, एक मित्र है वो दूसरे मित्र को प्यार कर रहा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेज इन विच लव इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। That means all love is from God. हाँ। लेकिन कोई इतना आसान है क्या देखना, बोलने से नहीं होता। महाराज एक प्रश्न है, अगर जब हम स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते तो हमको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब नहीं that's all right, that is what I say। विटनेस होना पड़ेगा। हाँ अच्छा जी महाराज, अच्छा वो कहना है देखो, गाय अगर जब बछड़े को प्यार, स्वामी जी बोलते हैं गाय अगर बछड़े को प्यार करती हो तो खड़े होकर प्रणाम करो, वहां भगवान का प्रेम मैनिफेस्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, भक्त रिनंसिएशन इज दैट वैराग्य और नॉन अटैचमेंट for all things that are not God, which results from anuraga and great attachment to God. My question is, doesn't bhakta take everything as God? Then what is the question of renunciation? Bhakta to sab kuch bhagwan ka hi lete hai, ye jo pura duniya to bhagwan ka hi hai, to fir renounce kya karun? अरे सीधे तुम ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ही तो नीचे उतरोगे, ठाकुर ने दृष्टांत दिया है ना कि ऊपर जब चढ़ रहे हैं ना तो कहते हैं ये छत नहीं है, ये छत नहीं है, ये छत नहीं है, मालूम है ना कहानी, ऊपर तक जाते हैं ये छत नहीं है, जब छत में पहुंच गए तब जब नीचे उतरता है तब देखता है कि ये छत भी जैसे ईंट पत्थर की बनी हुई है, ये सीढ़ी भी जो है वो ईंट और चूने की वही बनी हुई है, पहले ऊपर तो जाओ, पहले त्याग करना पड़ेगा, नेति नेति करना पड़ेगा, उसके बाद में आएगा कि सब है भगवान, अभी बहुत बकने से कुछ नहीं होता जी महाराज जी, वो बहुत ऊंची बात है, भगवान सब जगह है। संजय जी कहीं से आवाज आ रहा है बड़ा जोरों से कंटिन्यूस, तुझे का म्यूट करो महाराज जी, चालू करूं? हाँ चालू करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, पराभक्ति अलोन हैज द राइट टू से that all forms and symbols are useless to him as aids to religious realization. My question is, does the devotee initially start with form and symbols to attain the parabhakti? In the case of Sri Ramakrishna, the epitome of parabhakti, he could not forget the Divine Mother throughout his life. Tulsidas could not forget Sri Ramachandra. Gopis could not forget Lord Krishna. Krishna with form was always in their mind. How do you know that it was Krishna with form? How do you know that it was Krishna with form? Yes. Krishna without form. Kali without form.
श्री राम कृष्ण से जिसको काली है वो कोई ब्रह्म है, जो राम है जो घट घट में लेटा हुआ है वो राम है। ओहो हाँ तबे पढ़िए थैंक यू महाराज। राम है जगत पसेरा राम है, वो तुलसीदास ने उस राम को याद करते हैं बराबर। कैसे मान लिया आपने कि वो फॉर्म बना हुआ है? ओहो माने साकार से निराकार में पहुंच गए। तो वो राम ही राम रही है, राम रहा है लेकिन साकार से निराकार हो गया। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज जी। दिलीप भाई आ जाओ। हाँ जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी क्वेश्चन से पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी बताया था कि पराभक्ति इज इजी इन कंपैरिजन टू अदर थ्री, ये पहले पेज के ऊपर ही है चल रहा, पहला और सेकंड पेज जो आर्टिकल का है उसमें ये बताया गया है कि सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ऑफ ऑल रिनंसिएशन द मोस्ट नेचुरल सो टू से इज दैट ऑफ द भक्ति योग। Here there is no violence, nothing to give up, nothing to tear off, as it were, from ourselves, nothing from which we have violently or separate ourselves. जबकि बाकी के अंदर बड़ी मेहनत, ज्ञान योग में ज्यादा मेहनत करना पड़ती है renunciations के लिए, राजयोग में भी करना पड़ती है। पहले आर्टिकल के दो कागज में लिखा हुआ, पहले दो चैप्टर्स में। anyway, तो आपका प्रश्न क्या है? नहीं प्रश्न नहीं, ये महाराज जी आर्टिकल में लिखा था कि भक्ति योग इज इजीयर फॉर रिनंसिएशन इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर थ्री, कर्म योग राजयोग। हाँ ठीक तो है। अच्छा अब प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं नहीं प्रश्न नहीं है, ये मैंने चलो चलो इट इज नेचुरल बट नॉट इजी, भक्ति इज नेचुरल बट नॉट इजी, स्वाभाविक है। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो अपने आप ऋण त्याग हो जाएगा। तो प्रेम एक बार करो तो सही। अरे मोहब्बत संसार से मोहब्बत करते हैं, जरा संसार दूसरे जो भगवान से मोहब्बत करो जरा। महाराज मेरा पहला सवाल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पराभक्ति द फॉर्म्स एंड द सिंबल्स एंड राइचर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अनलेस इट इज एकॉम्पनीड विद द रिनंसिएशन। Is it a must? Is this renunciation and in Jainism renunciation is one and the same? No, no. Jainism के दूसरे प्रकार, जैन धर्म का त्याग प्रधान है, जैन धर्म है, संन्यास प्रधान धर्म है, उसमें भक्ति भी है, दो पक्ष है उसका, मन का त्याग है, बाहर का त्याग है, ये दोनों चीजें हैं वहाँ पे। तो ऐसा है कि इसको दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जैन धर्म में भक्ति इस प्रकार की नहीं है जैसे यहाँ हिंदू धर्म में, लेकिन वहां पे भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ जरूरी है। और हिंदू याद रखो कि हिंदू सन्यासी भी होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, तो जैन धर्म जैसे जैन धर्म में जैसे दिगंबर होते हैं तो नागा सन्यासी भी होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, कुछ नहीं रहता उनके पास में एक कमंडलू के सिवा। तो दोनों में त्याग तो आवश्यक है, सभी में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं है, उसको कंपेयर करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नॉलेज के लिए मैंने जानना चाहता। नहीं नहीं त्याग के बिना कहीं नहीं चलता काम जी। हाँ माय सेकंड क्वेश्चन, अरे बोल तो दिया लेकिन तैयार हो? तैयारी कर रहे हैं एट द फेग्राउंड ऑफ लाइफ ताकि बिगनिंग नेक्स्ट लाइफ की बिगनिंग में कुछ फायदा हो जाए। ठीक है चलो। सो व्हेन अ मैन गेट्स इवन हायर देन द प्लेन ऑफ द इंटेलेक्ट, हायर देन दैट ऑफ मियर थॉट, व्हेन ही गेट्स टू द प्लेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन, ही फाइंड्स देयर अ स्टेट ऑफ ब्लिस कंपेयर्ड विद व्हिच ऑल द प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस और इवन ऑफ द इंटेलेक्ट आर एज नथिंग। Has any time anyone has explained in words what is the bliss is and how we experienced? अच्छा तुम लड्डू खाते हो बता सकते हो अपने बारे वर्णन कर करण कर सकते हो लड्डू कैसा लगता है? मैंने जी ये तो वैसा नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं, मीठा लगता है आटे का है। मीठा तो लगता है जो सुख हाँ। होता है ना तो कहते हैं सुखी होता हूँ मैं, सुख बहुत सुख मिलता है तुमको, बहुत मीठा लगता है नहीं, बहुत सुख मिलता है। नहीं, ये तो
ये अनुभव चीजें कि मुख अरे जिह्वा का अनुभव भी नहीं बता सकते तुम, मीठा बोलने से क्या हुआ? जब जिसने अगर किसी ने मिठाई नहीं खाई होगी तो मीठा समझेगा ही नहीं कि क्या है मीठा। जी जी, तो जो जो अनुभव होते हैं ना, मन के अनुभव होते हैं, उनको शब्द में वर्णन थोड़ी किया जा सकता। अच्छा, और वो वही समझेगा जिसको अनुभव हुआ होगा। हाँ, वही तो समझेगा, और थोड़ी होकर समझेगा। राइट, तो बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चे को क्या रमन सुख स्त्री पत्नी पति पत्नी का सुख समझाया जा सकता है? बोल के जितना वर्णन कर दो कुछ नहीं समझा सकता। सवाल वो बिल्कुल आपने कहा ये सही, पर आखिर में यदि हमें ये कहा जाता है कि इट्स अ ब्लिस व्हेन यू गो, पर दिमाग में उस समय पिक्चर क्या आएगा हमारे, पिक्चर क्या आएगा, व्हाट इज द ब्लिस इन द माइंड? आपने कहा कि मुझे आज बहुत सुख मिला, डेफिनेटली, पर अब मुझे... हम ऐसे ही कहेंगे, देखो अगर पुरुष एक व्यक्ति है तो अपनी पत्नी को प्यार करता है, आलिंगन करता है, वो तुमको सुख मिला ना? अच्छा, उससे 100 गुना 1000 गुना 1,000,000 गुना अधिक सुख मिलता है। अच्छा, ये बोल दिया। ये रात को सोते हो, नींद में सोते हो तो सुख मिलता है ना? उससे 1000 गुना अधिक सुख मिला। कंपैरिजन ही देंगे तो क्या करोगे, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। राइट जी महाराज जी, ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इन द लोएस्ट काइंड्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज द जर्म ऑफ डिवाइन लव, पेज नंबर 74 एंड ऑन द पेज नंबर 75। सो इवन द लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ अट्रैक्शन डिराइव देयर पावर फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, इट मींस द वर्ल्डली पर्संस आल्सो हैव डिविनिटी through, though they are not religious or believer of God. नहीं मानते हैं या रिलीजियस नहीं है, इवन दे गेट द डिविनिटी थॉट। नहीं नहीं, वो तो आप बोल रहे हो डिविनिटी, हम डिविनिटी की बात नहीं करेंगे, वो डिविनिटी की बात नहीं करेंगे, हम भी उनको बोलेंगे कि तुम्हारी आत्मा तो है ना, वो आत्मा की भी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, समझे ना, वो तो कह रहे हैं कि मैंने लड्डू खाया और उसको मुझे आनंद हुआ, समझे ना, तो संसार के लोग तो इसी में है, उससे कुछ उनको आना लेना देना कुछ नहीं है तुम्हारे डिविनिटी से। संसार के 90% लोग डिविनिटी को थोड़ी मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। स्वामी जी थोड़ी ब्रह्म, ये तो स्वामी जी ने बोला था, और कोई मटेरियलिस्टिक लोग थोड़ी मानेंगे, वो तो कहेंगे मेरी मैं आई हैव गॉट अ सोल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और क्या, खत्म हुई बात। तब क्या करोगे इसको, ये तो फिलोसॉफिकल है। नो नो, इट्स परफेक्टली राइट। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज कि इवन फॉर अस व्हेन वी नो व्हाट इज डिविनिटी, ये जो एक्शंस इनके हैं, द जर्म्स ऑफ डिवाइन लॉ and divine power in within attraction of the lost is also a divinity, so is it really a divinity at lost? नहीं, अच्छा, जो लोग divinity मानते हैं उसमें भी, जैसे ठीक बात कही कि जो स्त्री पुरुष का प्रेम हुआ या लड्डू खाने का प्रेम हुआ, शराब पीने का प्रेम हुआ, ये सारे जितने प्रेम है ये डिविनिटी के भी एक स्पार्क है, उसी का एक चिंगारी है। तो इसी को तंत्र साधना में, इसी को तांत्रिक साधना बना ली है। वहां तो शराब भी है, पंचमकार है, मैथुन, मदिरा, मांस, जिसमें जो सुख मिलता है वो भगवान का ही सुख है, इसको करके साधना कर दी है। उसको लेके तुम वहीं तक पहुंच जाओगे, परमात्मा को ध्यान करने का साक्षात्कार हो जाएगा, तुम जान जाओगे कि सब में डिविनिटी है, उसके ऊपर चले जाओगे, डिविनिटी डायरेक्ट प्राप्त कर लोगे। अच्छा, यस। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसमें तुम मान लिया ना, तो उसमें न मानना ही अच्छा है, क्योंकि आगे पीछे वहां पे पतन हो जाता है। महाराज, ये तंत्र साधना के बाद हम उच्च कोटि के साधक नहीं बन पाते क्या? नहीं, तंत्र साधना में वो सब चीजें ऊपर उसके परे चला जाता है, तो नहीं, फिर डाउनफॉल होता है ना तंत्र साधना में। नहीं, साधना में अगर सावधान रहे तो तंत्र डाउनफॉल नहीं होता। अच्छा, उसके ऊपर चला जाता है वो। जी,
उसके बाद में जब मिठाई खाने मुंह में आएगी खाने के उसके पहले ही समाधि में हो जाएगा तांत्रिक। हाँ उच्च कोटि का ठाकुर ने तांत्रिक साधना की थी। हाँ अरे 64 प्रकार की तांत्रिक साधना की थी ठाकुर। ओके जी, जी लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा था कि तुम लोग मत करना ये बड़े खतरनाक है। ये तुम बात कह रहे हो ना वो ठीक ही है बड़ी खतरनाक है ये तांत्रिक। पर ये जो सांसारिक जीवन के अंदर वर्ल्ड में हम जो देखते हैं तांत्रिक साधना जो करते हैं वो उच्च कोटि के लोग नहीं होते नीच कोटि के लोग होते हैं। वो तो भोग कर करने साधना के नाम से भोग करते हैं कुछ नहीं। अच्छा यस पर उनको भी मिलता है फायदा क्या मालूम बाबा वो जाने हम नहीं जानते हमारे यहाँ परंपरा में नहीं है ये चीज। रामकृष्ण मिशन में ठाकुर ने भले की हो लेकिन रामकृष्ण मिशन में ये नहीं। Okay, yes, Maharaj. Now my next question. Bhakta is not to suppress any single one of his emotions. He only strives to intensify them and direct them to God. Maharaj, so even in Karma Yoga, we have to direct them to God. If so, and then what is the difference between the two? No, no, aisa hai ki Karma Yoga, dekho, do marg alag hain. Haan. Arre bhai, बंबई जाने के दो मार्ग हैं, एक खंडवा से जाते हो एक रतलाम से जाते हो जी। तो दोनों मार्ग एक जगह जब पहुंचेंगे तो हाँ। उनको मिलाते क्यों हो मिक्स क्यों करते हो। अच्छा तो दोनों मार्ग एक ही हैं ये तो नहीं बोलोगे ना। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बराबर है। नहीं मेरा पूछने का ये था कि कर्म योग में ये कहा जाता है आप कर्म करो पर वो ईश्वर को समर्पित कर दो। हाँ हाँ और भक्ति योग में भी हम जो करते हैं वो भी ईश्वर को। नहीं नहीं वो भक्ति में भगवान को प्रेम करते हैं। हाँ भगवान को प्रेम करते हैं उसको खिलाते हैं प्रेम जब मिठाई बनाई थी ठाकुर को भगवान को खिलाई उन्होंने ऑफर की। हाँ भगवान के उद्देश्य से। अब वो दोनों में अगर कर्मयोग में भी भगवान के प्रति प्रेम तो होता है ना थोड़ा सा जी। तो यह दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। अच्छा जी जी भक्ति योग में प्रेम महत्वपूर्ण है कर्म योग में समर्पण महत्वपूर्ण है। अच्छा राइट जी महाराज जी जी मेरा नेक्स्ट सवाल है इट इज दिस सम इमोशंस दैट गिव्स अस द प्योर एंड होली कंजुगल लव बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल एज द सॉर्ट ऑफ लव इज कॉज्ड टू सेटिस्फाई द लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ एनिमल पैशंस इफ इट इज सो देन व्हाट आवर ऋषि मुनि लेड फैमिली लाइफ and produce children are that also animal passions? हे भगवान अरे एक एक दो बच्चे पैदा करते हैं सारे जीवन एक दो बार संभोग करते हैं बस केवल भोग के लिए नहीं करते बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं फिर सारे जीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हैं दोनों ये ऋषि होते हैं। यानी हम लोग तो यही हो गया ना आजकल शादी करना यानी भोग करने के लिए ही करना पहले जमाने में ऐसा नहीं था। जी 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 फिर नियम थे उसके। अच्छा यस नियम था ये इस समय नहीं करना चतुर्मास में नहीं करना महीने में एक बार करना जी भोग थोड़ी होता था वो यहाँ तो इसके सिवा और सोचते ही नहीं है कुछ भी जी। ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो सन्यासियों के भी पूरी पूज्य होते हैं जी। संसार में रह के संयम करते हैं एक दो बच्चे पैदा किए बस और कुछ नहीं। यस हे भगवान ये समझ लो अच्छी तरह बराबर जी। ठाकुर ने भी तो शादी की थी ठाकुर के गृहस्थ भक्त थे इतने उच्च कोटि के थे कि बस। यस जी महाराज मेरा नेक्स्ट सवाल है ज्ञान योग इज ग्रैंड इट इज हाई फिलोसॉफी And almost every human being thinks curiously enough that he can surely do everything required of him by philosophy. But it is really very difficult to live truly the life of philosophy. Then what type of the sadhak selects the path of jnana yoga? Swami yes. Vivekananda ne prathi yoga jnana yoga ka path liya tha. Pahwari Baba ne jnana yoga ka path liya tha. वो चोर के अंदर भगवान देखने लगे थे सभी जगह भर भगवान है वो देखने लग गए थे
वो सांप बिच्छू को भगवान समझते थे, बाबा करना मत, इतना आसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करने के उच्चतम विचार जो है वो उच्चतम करने की क्षमता होनी चाहिए। सब में ब्रह्म है। मेरे शरीर में चोट लगी तो कहूंगा मेरे को कहां लगी है, मैं तो ब्रह्म हूं, ये तो शरीर तो मिथ्या है। Yes. ऐसी क्षमता है क्या? That is the highest philosophy. हाँ, ये फिलोसॉफी है, बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। Yes, it's right. Right. बहुत कम अधिकारी होते हैं। जी, next question. When a person loves the Lord, the whole universe becomes dear to him because it is all his. In such a case, when a universe becomes dear to him, then the sadhak gets attachment. Am I correct? हे भगवान, हाँ, ये आर्टिकल में क्लियरली बताया है लव और अटैचमेंट भिन्न है। क्लियरली बताया गया है लव और अटैचमेंट भिन्न है इस आर्टिकल में, बार बार बताया गया है। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य हमारा ये है ना कि हम लव और लस्ट और अटैचमेंट को एक ही समझते हैं। यानी लव और काम और अटैचमेंट ये सब फुट मिल मिला गए, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं तुम्हारे। जी, प्रेम बिल्कुल भिन्न चीज है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रेम किया लेकिन छोड़ भी दिया, जब इच्छा हुई तब उस समय छोड़ दिया, पूरी सेवा की, तन मन से सेवा की और कहा चलो भाई अब टाइम हो गया, हाँ हो गया, चलो चल दी, पीछे मुड़ के भी नहीं देख। ये क्यों बोल रहे हो, ये कहाँ? यानी आसक्ति भिन्न है। जो भगवान से प्यार करता है ना, व्यक्ति से प्यार नहीं करता, सब भ्रम है, याद रखो। महाराज जी, एक बार मैं फिर ये सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ प्लीज। When a person loves the Lord, the whole universe becomes dear to him. The universe becomes dear to him because it is all his. ये मेरा पूछना था। अच्छा अच्छा, दूसरा दृष्टांत ले लो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की गायें चुरा ली ना। हाँ, ग्वाले चुरा दिए, क्या सब चुरा दिया, तो भगवान क्या हुआ, भगवान गायें बन गए, हाँ, गोए बन गए जी। तो प्राय कितना प्रेम आकर्षण हो गया उन लोगों का एक दूसरे के प्रति। हाँ, समझे ना। हाँ, एकदम हाँ, हाँ, आकर्षण बढ़ता गया जी। तो एक बार अगर आप सर्वत्र भगवान को देखने लगे तो देखो क्या होगा तुम्हारा, ये सोचो। तो जी जी, ये मेरा जानना था, इसलिए मैंने पूछा। तो भगवान, भगवान से आसक्ति से डरते क्यों बाबा, भगवान समझ के करते तो ठीक है। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल है। द आर्टिकल सेज दैट फर्स्ट लव गॉड, देन यू विल लव द होल ऑफ यूनिवर्स। Then it can happen that sadhak becomes selfish only and he will think of himself. ये भगवान के बार बार यही चीज पूछ रहे हो तुम। जी, ये आर्टिकल भगवान से, जब तक सेल्फिशनेस नहीं गई तब तक भगवान से प्यार कैसे होगा। नहीं महाराज जी, भगवान से प्यार करने के बाद सेल्फिशनेस आ जाएगी, यही बोल रहे हो ना। हाँ, ये कैसे आएगी? हम दुनिया को छोड़ देंगे, भगवान के पीछे पागल होंगे, दुनिया गई भाग में। हाँ, तो ये क्या है, ये पागलपन जो है तो उच्च कोटि की पराभक्ति है जी। और तुम उसको सेल्फिशनेस बोल रहे हो। बस महाराज जी, दैट इज ऑल जी। महाराज जी प्रणाम। अरे कुछ करो तो, 80 बरस की उम्र में कुछ तो करो। हो गए क्वेश्चन सबके, हो गए कि नहीं हो गए? हो गए महाराज जी। अब वो मेरा जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान कीजिएगा सब लोग, कैसे इसको इम्प्रूव करना। आप लोगों ने मेरे को तो गाइडेंस दे दी कि आप ऐसे ऐसे करिएगा और गीता करिए, ये सब बता दिया। लेकिन आप लोग भी देखिए, आज नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा गया था 20 जी। और अभी है 17 है शायद, ऐसा ही कुछ है। बस अभी 18-19 हो गया फिर। जब देगी हो, जो भी हो, अब आप देख लीजिए
मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये फेल हो रहा है? नहीं, फेल नहीं हो रहा हमारा, तो हमारा ठंड की ओ स्वामी जी नो बहुत ठंड के बहुत ये हो गया महाराज जी। मकर संक्रांति भी है ना, तो लोग थोड़ा ढीला पड़ गए। आज मकर संक्रांति है ना? हाँ मकर संक्रांति है। अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। हमारे हिंदुस्तान में रोज कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही त्योहार। नहीं नहीं, लोगों को ये समझना चाहिए कि आज मकर संक्रांति है तो चले स्वामी जी के पास जाना। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, उस दिन तो रूम मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। तो छोड़ना क्यों चाहिए, होना ये चाहिए। ये तो उल्टा बात सोच रहे हो तुम। और एक एक है महाराज, वो एक है, एक पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा हमको हर अल्टरनेट संडे को बोलते रहते हैं कि आज मेरे को आश्रम जाना है, आज मेरे को फलाने जगह जाना है, आज मुझे कहाँ जाना है, और जूम मीटिंग को वो ड्रॉप कर देते हैं। अब क्या बताऊं मैं, बोलूं? ठीक है, देखा जाए। ओम शांति 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 हरि ओम शांति शांति हरि ओम शांति शांति हरि ओम।